हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हमको पता रखना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, जिसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आपको नोट्स अगर आप हमारे पास से परचेस करते हैं तो आपको हमारे पास से नोट्स जो है 40% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसको क्लिक करने के बाद इग्नो एमकॉम में आना है, और इस वाले नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके ये सारे फायदे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ आप जब भी स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आए, प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके सुन करके आप इस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चलिए फिर देखते हैं। सो एनालिटिकली जी So analytically, the objective of corporate governance may be considered from the private and public perspective. तो अगर देखा जाए तो corporate governance का जो objectives होता है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो private perspective हमारा हो सकता है और एक public perspective हो सकता है ना? So from the perspective of a company, corporate governance expected to concern with the maximizing value subject to the company's financial, legal and contractual obligations. तो company के perspective से अगर देखा जाए, company के हिसाब से अगर देखा जाए, तो corporate governance का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी के वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंपनी के फाइनेंशियल, लीगल और जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। सो ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैं भी आपको बता रहा हूं, प्राइवेट पर्सपेक्टिव से मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, द फोकस इज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स विद दोज ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेन वैल्यू फॉर द कंपनी। यहाँ पर जो टारगेट होता है ना, जो फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो यही होता है कि वो एक तरीके से बैलेंस बना करके चले शेयर होल्डर्स के बीच में, जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में, जिन लोगों ने बहुत बड़े अमाउंट में पैसे लगाए हुए हैं, उन दोनों के बीच में एक तरीके से आप बैलेंस बना करके चले, और उन दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए आप लॉन्ग टर्म में किस तरीके से आप अपनी कंपनी को आगे लेकर के जा सकते हैं, किस तरीके से आप सस्टेन्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं आपकी कंपनी में, इस चीज के ऊपर आपको जो है काम करना होता है। ठीक है ना, फ्रॉम पब्लिक परस्पेक्टिव, अगर पब्लिक की परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड इन्वॉल्व नर्चरिंग एंटरप्राइजेस व्हाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज ऑफ द फर्म्स, है ना? तो अगर पब्लिक परस्पेक्टिव से हम देखेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम ये होता है कि वो अपने एंटरप्राइज को इस तरीके से नर्चर करे, इस तरीके से बढ़ाए कि उसका जो एक तरीके से फायदा है वो जो सोसाइटी है उसको भी पहुंच सके। उसकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो डिसाइड कर दी जाती है कि आप जो है इस काम के लिए अकाउंटेबल हो गए, तो वो काम भी जो है अपने अच्छे तरीके से कर पाता है। सो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगर अगर पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो ये सारी चीजें होंगी कि किस तरीके से आपको जो है इन्वॉल्व होना है अपने एंटरप्राइज को नर्चर करने में, और आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका आपको आप जो है उस चीज को लाइक एक तरीके से निभाओ, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है आप उसको पूरा करो, है ना? जो भी आपकी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है, पेट्रोनेज है आपके फर्म्स का, आप उसका ध्यान रखो और उसके ऊपर ठीक तरीके से काम करो। द रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, The role of public policy should be provided incentives and enforce discipline to minimize divergence between private and social returns and to protect the interest of the stakeholders. है ना? तो जो public policy है, उसका जो काम है ना? जो public policy है, वो एक तरीके से provide करना चाहिए incentives, है ना? और इन्फोर्स करना चाहिए डिसिप्लिन, ताकि मिनिमाइज किया जा सके डाइवर्जेंस को जो कि प्राइवेट और सोशल रिटर्न्स में होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी कोई होगी तो उसका भी कुछ काम करने का तरीका अलग होगा, सोशल पब्लिक कंपनी होगी तो उसमें सोशल रिटर्न्स ज्यादा रहते हैं, तो इन दोनों में जो डाइवर्जेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, जिससे जो है लोगों को इंसेंटिव्स दिया जाए, कंपनीज को इंसेंटिव्स दिया जाए और डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाए, है ना? एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके भी इंटरेस्ट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है बाय दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद अगला जो हमारा पैराग्राफ है उसको भी कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बिरला कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ कमेटी अपॉइंटेड बाय द सेबी एंड हेडेड बाय कुमार मंगलम बिरला, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द इनहेंसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू वाइल प्रोटेक्टिंग एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी तक पूरी कहानी सुनाई उसका ये भी हालांकि आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, बट उसको छोटा करके निचोड़ करके यहाँ पे जो है कुमार मंगलम बिरला ने कहा था, जिसको अपॉइंट किया गया था सेबी के द्वारा,
है ना, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बिरला कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको अपॉइंट किया गया था सेबी के द्वारा और कुमार मंगलम बिरला को अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कहा था जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है वो ये होता है कि किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का जो शेयर होल्डिंग है उसमें आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सको, किस तरीके से आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सको ताकि उनको भी अच्छा लगे कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है वो उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। एट द सेम टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में बहुत बड़े मात्रा में एक तरीके से पैसे लगाए हुए हैं, उनके इंटरेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बैलेंस करके चलना है आपके शेयर होल्डर्स को आपके स्टेक होल्डर्स के साथ में, ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग देयर फॉर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर, सो जनरली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो कौन कौन से आपका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। पहला है कॉम्प्लायंस विथ द लॉज, आपको जो है लॉज को मान करके आपको अपना काम करना है, आपको कॉम्प्लायंस करना है। बी नंबर है गुड परफॉर्मेंस, आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आप ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाओ, है ना। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी विथ अ व्यू टू इनहेंस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू बाय इंश्योरिंग कंपनीज कमिटमेंट टू हायर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स। तीसरा पॉइंट में ही पहला जो मैंने अभी आपको बताया था उसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पे आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करनी होगी बाय इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू, जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनकी वैल्यू में आपको इंक्रीज करना होगा, साथ ही साथ आपको कमिट करना होगा कि उनको जो है हायर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स मिले इन फ्यूचर जाकर के, और साथ ही साथ आपको जो आपके स्टेक होल्डर्स है कंपनी के उनके राइट्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ मैं फिर से जाते जाते बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो उनकी प्रिपरेशन भी जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।